शंभू बॉर्डर पर किसान ऐलान कर चुके हैं कि वो 11 बजे के बाद दिल्ली कूच करेंगे और इसके बाद दिल्ली की सारी सीमाएं सील है। मैं इस वक्त कालिंदी कुंज के बॉर्डर पर हूं और यहां पर देखिएगा जो लोग दिल्ली से जो नोएडा जा रहे हैं और नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, दोनों तरफ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखिए जो मैं आपको जिस तरफ से दिखा रही हूँ, इधर से लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, इसलिए देखिएगा आप, ये चेतावनी भी लिखी हुई है, उसके अलावा बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर करीब लोगों को करीब 15 से 20 मिनट तक का अतिरिक्त समय लगाना पड़ रहा है। तो देखिएगा यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ तो आश्रम तक इसी तरह से जाम लगा हुआ है। आप देखेंगे, आप कैमरे से की नज़र से मैं दिखा रही हूँ कालिंदी कुंज पर किस तरह का ट्रैफिक जाम है। और आपको बताऊँ कि आज CBSE का एग्ज़ाम है, हिंदी का पेपर है आज 10th का, सुबह 10:30 बजे से एग्ज़ाम है और 10 बजे तक किसी भी हाल में पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर पर। और जब ये आज इतना ट्रैफिक जाम है उसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी परेशानियां हो रही हैं, उसके अलावा लोग जो यहां से जा रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, ऑफिस का टाइम है और उधर किसान ऐलान कर चुके हैं और इधर बैरिकेडिंग की गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हर तरफ, इस वजह से बैरिकेडिंग की वजह से भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और यहाँ पर देखिएगा ट्रक भी तमाम रोके गए हैं, ये भी देखिए खड़े हैं आधी रोड पर, आपको यही नज़र आएंगे। उसके अलावा ट्रैफिक जाम देखिएगा, बार बार ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी है लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं निकल पा रहे, उसके बावजूद लोगों को नहीं निकाल पा रही है क्योंकि हर तरफ चौड़ी जाँच परख के बाद देखिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं, दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि लोग निकले, लेकिन बैरिकेड की वजह से भी दिक्कत हो रही है। दूसरा, बहुत सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा करनी पड़ रही, इतनी दुरुस्त तरीके से करनी पड़ रही है, इस वजह से भी ये जाम लग रहा है। हर किसी को देखना पड़ रहा है कौन आ रहा है, कौन किस गाड़ी में आ रहा है, किसानों को रोकना है, किसान दिल्ली ना आए, इसलिए उनको इस वजह से इतनी सुरक्षा कड़ी की गई है और यही कारण है कि इतना ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। तो दिल्ली में आज कहीं भी जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें, जहां से भी आप बॉर्डर से निकलेंगे आपको इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, कालिंदी कुंजी।